नमस्कार, बीटीएस न्यूज के लाखों देखने और सुनने वालों का बीटीएस न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। कहां गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। कुत्ते का बच्चा भी अगर कार के नीचे आ जाता है तो हमें पेन फील होता है कि नहीं होता है। देखिए, ये जो सरकार की जो बिहेवियर रहा है, इनका अप्रोच रहा है, ये बिल्कुल ही क्लूलेस है। कोविड के कंट्रोल इनसे निकल चुका है, इनके पास इंसानियत नाम की चीज़ बाकी नहीं रही है। अगर बाकी होती तो इतनी बड़ी गलती कि फॉरेन कंट्री से 300 टन का इमरजेंसी कोविड एड दिल्ली एयरपोर्ट पर रुका हुआ है, जिसमें 5,500 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हैं, 3,200 ऑक्सीजन सिलेंडर हैं, 1,36,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन है। अरे भाई, आप इसको अगर दिल्ली में दे देते, 5 किलोमीटर है जहां पर अस्पताल में ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर्स मर रहे हैं, पेशेंट्स मर रहे हैं, कर्नाटका में मर रहे हैं, आखिर 5 दिन आपको क्यों लगते हैं? आपको पहले से मालूम होना चाहिए था, आपको पहले से प्लान बनाना चाहिए था कि रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स को फौरन डिस्ट्रीब्यूट करते, डिसबर्स करते, मगर नहीं, लोग मर रहे हैं ऑक्सीजन से, जिसको भारत में लोगों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर की ज़रूरत है, सिलेंडर्स की ज़रूरत है, मगर दिल्ली सरकार जो है, दिल्ली के बादशाह सो रहे हैं अपने, इनको कोई पता ही नहीं है। कोई बोलता है एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कोई बोलता है कि और मिनिस्ट्री करेंगी। अरे, ये वक्त आपको एक्शन लेने का है। आप तो सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह दिए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर जिम्मेदार होंगे। इतने लोग मर रहे हैं तो जिम्मेदारी किस पर आएगी? कहाँ गया प्रधानमंत्री का वो स्टेटमेंट के अगर किसी गाड़ी के टायर के नीचे एक कुत्ते का बच्चा भी आता है तो हमको तकलीफ होती है, यहाँ तो इंसान मर रहे हैं। शमशान घाट में जगह नहीं है जलाने के लिए, लकड़ी नहीं है, क्रिमेटोरियम जो गैस के हैं वो ख़राब हो जा रहे हैं, कब्रिस्तान की ज़मीनें कम पड़ रही हैं। आखिर क्या हो रहा है हमारे मुल्क में? क्या ये गवर्नमेंट हरकत में आएगी नहीं आएगी? कब तक प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंस से लेकर पूछते रहेंगे? अरे भाई, ज़मीन पे देखिए ना, आप ज़मीन पे नाकाम साबित हो रहे हैं, आपके कोई हरकत नहीं कर रहे हैं, आपकी सरकार दिख ही नहीं रही ज़मीन पर, आपकी सरकार सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस में दिख रही है, मगर ज़मीन पर तो कोई सरकार नज़र ही नहीं आ रही। इससे हर आदमी परेशान है, कोई दिन नहीं जाता कि लोगों की आहें, उनका रोना, उनकी तकलीफ, कहीं बेड नहीं मिल रहा है, इन इक्विपमेंट की ज़रूरत है। अरे किस ये ऐसे वक्त में आप GST क्यों लगा रहे हैं उन लाइफ सेविंग इक्विपमेंट पर? निकालिए GST को, एक टाइम तक निकालिए, और फिर इम्पोर्ट ड्यूटी आप रखे क्यों? इम्पोर्ट ड्यूटी उसको भी निकालिए। अरे भाई, इस जब फॉरेन कंट्रीज एड दे रही हैं, बांग्लादेश दे रहा है, उज़्बेकिस्तान दे रहा है, सब दे रहे हैं हमको, तो आपको तो ये काम करना चाहिए था ना। आप दिल्ली में एम्बेसीज हैं, आज एक अफ्रीकन कंट्री का डिप्लोमेट, उसकी मौत हो गई, उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उसको। तो ये देखकर ऐसा लग रहा है कि सरकार बिल्कुल ही इनविजिबल हो चुकी है, कहीं पर नजर नहीं आ रही। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।